जब बात होती हो रफ्तार की तो इसमें चीते का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी रफ्तार स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक से भी तेज होती है। चीता मात्र 2 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, पर चीता अपने फुल स्पीड में सिर्फ 20 सेकंड तक ही भाग पाता है और इतने में ही अपने शिकार का काम तमाम कर देता है। चीता हर रोज 2 से 3 जानवर को मौत के घाट उतार देता है। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि चीते बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में सबसे छोटे जानवर होते हैं। चीते हर रोज 2 से 3 जानवरों का शिकार करते हैं, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेचारे चीते को अक्सर भूखा ही सोना पड़ता है और इसके जान के ऊपर हमेशा ही खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि जंगल में इसके जान के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। कई बार तो शेर जैसे बड़े जानवर भी इन पर हमला करके इन्हें जान से मार देते हैं और इनके किए गए शिकार पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। चीता जब भी कोई शिकार करता है तो उसे तुरंत ही खाना शुरू कर देता है, क्योंकि खुकार, भेड़ी और लकड़बग्घ, जंगली कुत्तों का झुंड इनके शिकार को हड़पने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है और चीता बेचारा अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कभी कभी चीता गिद्धों के झुंड से भी डरकर अपना शिकार बिना खाए वहां से चुपचाप चला जाता है। शायद ही कोई ऐसा दिन आ पाता है जब भूख से बेहाल बेचारे चीते को भर पेट खाना नसीब हो पाता है। एक मादा चीता साल में कई बार प्रेग्नेंट होती है और 4 से 5 बच्चों को भी जन्म देती है, पर इनमें से 1 या 2 बच्चों के ही बड़े होने की संभावना रह जाती है। और कभी कभी तो कोई वयस्क चीता भी शेर का शिकार बनकर ही रह जाता है या फिर कोई मगरमच्छ का खाना बन जाता है। प्रकृति ने इसे तेज रफ्तार तो दे दी, पर इसके शरीर को पतला, हल्का और छोटा बना दिया। पर इसमें प्रकृति की भी क्या गलती है, क्योंकि अगर इसके शरीर को चौड़ा बना दिया गया होता तो चीता इतनी तेज कैसे दौड़ पाता और दुनिया में एक अलग पहचान कैसे बना पाता, क्योंकि चीते के शरीर की बनावट ही तो है जो इसे एक अद्भुत लचीलापन और गजब की फूर्ति प्रदान करती है, जिससे चीता काफी तेज दौड़ सकता है। हम आपको बता देते हैं, कभी किसी चीते की मौत इंसानों की वजह से नहीं होती और ना ही कभी कोई चीता कभी इंसानों पर हमला करता है। चीते की अकाल मृत्यु के पीछे अक्सर जंगल के राजा शेर का ही हाथ देखा जाता है। शायद यही वजह है कि ये चीते अब हमारी धरती से विलुप्त तो होते जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में मात्र 8,000 से भी कम चीते बचे हुए हैं। खैर जो भी हो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि चीते के जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा होता है। हमारी पहली वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल द प्लैनेट इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि द प्लैनेट इन हिंदी आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस लाता रहेगा।